हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही हेल्दी पकौड़े की रेसिपी, जो कि आपने ना कभी ट्राई किया होगा ना कभी देखा होगा। बिलीव मी गाइस, ये आप फर्स्ट टाइम देखेंगे एंड इनफैक्ट इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये बहुत ही बेहतरीन बनता है। ऊपर से ही एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। सो व्हाट यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है दो तुरई। अब आप सोचेंगे तुरई तुरई से पकौड़े भी बनते हैं? जी हाँ, बनते हैं, मैंने बनाया और बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कप बेसन और आधा कप चावल का आटा। तो इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए एक कप बेसन लगेगा और आधा कप चावल का आटा, इससे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी आएगा। नमक ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, और अब मैं इसमें क्रश करके ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन। तो ये सब जो है इंग्रेडिएंट्स आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग ऐड, और यहाँ पे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको पहले ड्राई मिक्स कर लीजिए। तो इसे हम पहले ड्राई मिक्स कर लेते हैं एंड देन इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। बट उससे पहले एक और काम, यहाँ पे मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और तेल को बहुत ज़्यादा मैंने गरम किया है, और इसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम तेल इसमें ऐड करेंगे। इससे आपके पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। यहाँ पे मैंने हल्दी थोड़ा सा ऐड किया है इसको अच्छा कलर लाने के लिए। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे एंड एक बार में ज़्यादा पानी मत ऐड करिएगा, और एक डायरेक्शन में इसको मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए। एक बार में अगर आप पानी डाल देते हैं तो वो लंपी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसका बैटर अब तैयार है। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम तुरई की कटिंग करेंगे। तो पहले इसके जो अपर हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा, उसको हम कट करके रिमूव कर देंगे। तो देखिए बॉटम और अपर पार्ट जो है इसका हमने रिमूव कर दिया कट करके। अब इसका हम इस तरह से छोटे छोटे गोल पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ देखिए सिमिलरली जिस तरह से हम आलू के पकौड़े बनाने के लिए आलू को कट करते हैं, एकदम वैसे ही गोल गोल हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ देखिए इसे मैंने कट कर लिया है, और इसी तरह से हम पूरे तुरई को इस तरह से गोल गोल कट करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इसे हम डिप करेंगे बैटर में। तो बैटर में पहले मैं एक साथ 3-4 ले रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी बिकॉज मुझे हैंडल करने में दिक्कत होगा। तो देखिए पहले इसे हम डालेंगे और इसे हम कोट कर लेते हैं बेसन के बैटर में। तो आपको बैटर ऐसा बनाना है, ज़्यादा आप लिक्विड जैसा ना बनाइए, आप ऐसा बनाइए कि अच्छी तरह से कोट हो जाए और इसका टेस्ट आए। तो यही सीक्रेट रहेगा इस पकौड़े में कि बैटर पर आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए अब इस तरह से फ्राई कर लेते हैं, और आपका फ्लेम रहेगा लो टू मीडियम। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि मीडियम भी ना रखें, इसको आप लो फ्लेम पर फ्राई करें। तो देखिए जब एक साइड से इसका कलर चेंज हो जाए तब धीरे से इसे पलट लीजिएगा, और हमें इसे फ्राई करना है क्रिस्प गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ देखिए इसमें कलर आ चुका है, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरह से मैं सेकेंड बैच को भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए बनकर रेडी है। सेकेंड बैच को भी देखिए मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, और आप देखिए बिना बेकिंग सोडा के हमने इसमें बहुत ही अच्छे तरह से इसे बनाया है, जो बैटर हमने तैयार किया। आप देखिए ऊपर ही कितना अच्छी तरह से फूल कर तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसी तरह से सारे पकौड़े बनाकर चलिए करते हैं इसे हम सर्व। तो ये देखिए सारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। ये देखिए मैंने इसको चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको हरी चटनी पसंद है, लाल चटनी पसंद है, टोमेटो केचप पसंद है, ग्रीन चिली सॉस पसंद है, आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस आप इसका कलर देखिए बिना बेकिंग सोडा कि हमने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लस ये हेल्दी है बिकॉज यहाँ पे तुरई का यूज़ हुआ है, और आपको पता है कि तुरई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। किसी को भी लगता नहीं होगा कि तुरई की भी ऐसी रेसिपी हो सकती है, बट बिलीव मी गाइस आप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं चलिए इसे इंजॉय करने, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि मैं सारे पकौड़े भूल जाऊंगी अगर मैं इसे बना के खा लूँ। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।